वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एंड हैप्पी ईद टू यू ऑल। जो लोग भी मुझे देख रहे हैं सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। तो गाइज आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ईद का व्लॉग। तो अभी कुछ 11-12 बजे का समय है, मैंने सारा काम कर लिया है अपने घर का, लेकिन अभी मैं रेडी नहीं हुई हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैंने क्या क्या बनाया, और उसके बाद मैं दिखाऊंगी अपना ड्रेस और सब कुछ आप लोगों को। तो एंड तक ब्लॉग को जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जल्दी जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में मेरे को बताइएगा कि मेरा लुक आप लोगों को कैसा लगे। तो गाइज यहाँ पे अब मैंने स्टार्ट कर दिया है सब कुछ बनाना। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ खीर और साइड में बना रही हूँ कस्टर्ड। तो दोनों साथ मैं काम मैं साथ साथ में कर रही हूँ, तो यहाँ पे खीर बनती रहेगी और साइड में कस्टर्ड बनता रहेगा। तो यहाँ पे मैंने कस्टर्ड पाउडर ऐड ऑन कर दिया है मिल्क में। अभी से अच्छे तरीके से पका लेंगे, थोड़ा थिक कर लेंगे और फिर ठंडा कर लेंगे, फिर एंड में मैं इसके अंदर फ्रूट्स ऐड ऑन कर दूँगी, ठीक है। तो गाइज़ जो व्लॉग है, मतलब जो ईद का जो शूट है, मैं काफ़ी कम कर पाई हूँ बिकॉज बहुत सारा काम था ईद पर। तो गाइज़ काम भी मैनेज करना था, फिर गेस्ट्स को भी अटेंड करना था, तो इतना ज़्यादा नहीं शूट कर पाई, पर जितना कर पाई हूँ उतना आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो गाइस कस्टर्ड में मैंने थोड़ा कंडेंस्ड मिल्क भी ऐड करा है, काफ़ी क्रीमी और अच्छा सा टेक्स्चर आ जाता है। तो आप चीनी तो ऐड करें ही करें, कंडेंस्ड मिल्क भी ऐड करेंगे तो मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पर जो खीर के लिए जो दूध है वो भी बॉईल हो गया है। गाइस खीर की भी रेसिपी मैं आपको ज़रूर इंशाल्लाह आगे के व्लॉग्स में दूंगी, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और डिलीशियस खीर बनाती हूँ, सच में बहुत अच्छी बनाती हूँ। तो और ये काफ़ी मतलब टाइम लेके काफ़ी फुर्सत से बड़ी अच्छी सी बनाती हूँ, तो आपके साथ ज़रूर टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह आने वाले ब्लॉग्स में। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए, और गाइज़ यहाँ पे मैंने चावल भी ऐड कर दिए हैं थोड़े से क्रश करके, ठीक है। और यहाँ पे साइड साइड में गाइज़ हमारे ईद पे ये छोले ज़रूर बनते हैं, ये ड्राइड छोले होते हैं, काफ़ी अच्छा अमेजिंग ये टेस्ट करते हैं। इसकी रेसिपी भी दूँगी, अभी रेसिपी मैंने किसी की नहीं दी, लेकिन ये हमारे घर के मेन्यू में हमेशा बनते ही बनते हैं, मतलब शुरू से ही बनते आ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने ये बना लिया था। तो गाइज यहाँ पे खीर भी देखो मेरी बिल्कुल डन हो गई है। मैं खीर बनाती हूँ, मैं सेवैयाँ नहीं बनाती हूँ, खीर बनाती हूँ, और लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी सेवैयाँ ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए अभी मेरी जो खीर है वो थिक होने लग गई है, तो इसी स्टेज में गाइज मैं इसको बंद कर दूंगी, क्योंकि थोड़ा रखे रखे भी उन्हों थिक हो जाती है। तो थोड़ा सा और पका के, फर्दर थोड़ा और पका के इसको डन कर देंगे, इसकी गार्निशिंग करके इसको डन कर दूंगी, सो दैट फिर इसको थोड़ा सा ठंडा करके सर्व कर लिया जाए। तो देखिए बिल्कुल डन हो चुकी है और बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है। और गाइस जो खीर है ना मेरी बड़ी क्रीम कलर की बनती है, मुझे वाइट कलर की खीर बिल्कुल नहीं पसंद है, ज़्यादा वाइट ही होती है, लेकिन आप पकाओगे ना तो थोड़ी क्रीम कलर की हो जाएगी, तो जब भी मज़ा आता है। तो अब देखो मैंने घर भी अच्छे तरीके से सेट कर लिया है, और यहाँ पर मैं टेबल भी लगाना स्टार्ट कर दिया है, अभी सिर्फ दही रखी है मैंने दही बल्लों के लिए, और बाकी सारा घर अच्छे तरीके से सेट कर लिया है। तो जल्दी से अब मैं आपको दिखा देती हूँ टेबल भी कि मैंने कैसे सेट किया। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ खाने पीने के लिए ग्लास और थोड़ी बॉटल्स भी रख ली थी, ठीक है, और ये दही था और थोड़ी पापड़ी थी, और ये जो छोले जो अभी मैंने आपको दिखाए थे ये छोले रख लिए, दही भल्ले हैं और रेड चटनी है और मसाला है दही भल्लों का। तो दिस इज़ माय फुल टेबल। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ, ये थे दही भल्ले, पापड़ी, दही और चटनी, ठीक है। उसी के साथ मैंने बनाया था फ्रूट कस्टर्ड, इसे मैंने अच्छे तरीके से डेकोरेट भी कर लिया था, एंड दिस इज़ छोले जो कि मैंने आपको भी बताए, और ये है मेरी बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस सी खीर। सो दिस इज़ हाउ माय ईद टेबल लुक्स लाइक। उसके बाद गाइज अब मैं रेडी हो जाती हूँ। तो ये वाला ड्रेस मैंने पहना था, ये ड्रेस मैंने यू नो इट इज़ एन आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच, मैंने खुद ही आउटफिट लेके पूरा खुद ही मैंने अपने आप से ही डिज़ाइन किया है। तो ये दुपट्टे पे मैंने ऐसे बेल लगवाई थी, तो पूरा अच्छा, काफ़ी अच्छा इसका आउटकम आया। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा था मुझ पर। तो ये अनारकली सूट है और ये इसका दुपट्टा है, इसके साथ चूड़ीदार पजामी थी, और इसके साथ मैं पहनूंगी ये वाले इयररिंग्स, बड़े प्यारे लगे थे मुझको, तो मैंने ये वाले इयररिंग्स ले लिए थे और मैच भी कर रहे थे मेरे आउटफिट के साथ। तो ये वाले इयररिंग्स पहनूंगी और गाइल कह रही हूँ और गाइस उसके साथ ही मैं ये वाली रिंग लूँगी, रिंग पहनूंगी, ये बड़ी वाली, वैसे भी आजकल काफ़ी इन है, एंड दिस इज़ माय फुटवेयर गाइस, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाली और बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी चल रही है, तो मैंने यही ली थी। सो दिस इज़ माय लुक, थोड़ी से पिक्चर्स और वीडियोस शेयर कर रही हूँ ताकि आप बता सको मैं कैसी लग रही थी। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मेरा ईद लुक आप लोगों को कैसा लगा, और ये जो सूट मैंने खुद ही यू नो डिज़ाइन करा था वो कैसा लगा। उसके बाद आ गई थी मेरी बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर और मेरे जीजू, तो हम लोग अब सब कुछ टेस्ट
कर रहे हैं, खाना पीना खा रहे हैं। यहाँ पर गाइज मैं आधी रेडी हूँ, अभी मैंने इयरिंग्स वगैरह नहीं पहने, थोड़ा आई मेकअप वगैरह मेरी फ्रेंड ने ही मेरा किया था, क्योंकि मैं आपको पहले भी ब्लॉग्स में बता चुकी हूँ मैं मेकअप इतना ज़्यादा नहीं आता है और ना ही इतना ज़्यादा पसंद है, तो उसने ही आके मेरा थोड़ा मेकअप करा था, आई मेकअप वगैरह। तो हमने खा पी लिया और गाइज मेरी बेस्ट फ्रेंड लाई थी मेरे लिए बहुत सारे ईद गिफ्ट्स, यानी कि वो मेरे लिए बहुत सारी ईदी लेकर आई थी, तो मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। तो वो ये टॉप लेकर आई थी मेरे लिए, मुझे एक बार ना पसंद आया था जब मैं किसी मार्केट में गई थी, तो उसे याद रहा, मैं पर ले नहीं पाई थी उस समय, लेकिन उसको याद था, तो वही वाला सेम वो टॉप मेरे लिए लेकर आई, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। उसी के साथ साथ गाइस जीजू ने मुझे दिया था, जो मेरे बेस्ट फ्रेंड के हस्बैंड हैं, उन्होंने मुझे ये स्टॉल दी थी, उन्होंने मतलब सर्दियों में ली थी बीच में, लेकिन मेरा उनसे मिलना जुलना नहीं हुआ था तो रह गया था, तो वो आज ले आए थे। और उन्होंने मुझे ये स्लिंग बैग भी दिया था, देखिए गाइस ब्लैक कलर का, एंड ब्लैक इज़ माई फेवरेट कलर। और उसी के साथ ये जो बीच में जो बटन सा लगा हुआ था ना, इससे क्लच बहुत ज़्यादा, ये स्लिंग बैग बहुत ज़्यादा मस्त लग रहा था, तो ये भी मुझे जीजू ने गिफ्ट किया। उसके बाद मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे लिए लाई थी ये वाली स्लीपर्स, ये भी मैंने उसको बताया था कि मतलब मुझे चाहिए, तो उसको सब कुछ याद था और वो वही वही चीज़ें लाई जो मुझे चाहिए थी। और उसके बाद स्वीट्स में वो हमारे लिए रसमलाई लेकर आई थी गाइस, तो हम यहाँ पर रसमलाई खा रहे हैं मैं और मेरे पापा, तो ये है मेरे पापा आप लोगों को हाई कर रहे हैं। तो गाइस फिर हो गई थी थोड़ी रात, रात में हमारे घर पे आया था एक केक, हमारे एक फैमिली फ्रेंड ने हमारे लिए केक भेजा था ईद पर, बहुत ज़्यादा टेस्टी केक था, तो फिर हमने केक भी इंजॉय किया। उसके बाद जो आज का डिनर था, और गाइस मैंने ना चिकन बिरयानी भी बनाई थी लेकिन दोपहर में, लेकिन मैं शूट ही नहीं कर पाई क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड आई थी तो उसने खाना भी खाया था, लेकिन मैं शूट ही नहीं कर पाई। और रात के डिनर में हमने खाया था, दिस इज़ मटन बर्रा ड्राई वाला है ये, और उसके साथ थे चिकन कबाब, फिर ये है नान रोटी जो बटर नान होती है वो था, और ये था चिकन कड़ी या फिर चिकन कोरमा। तो डिनर हमने ये खाया था। हे गाइस दिस इज डे 2 ईद का, तो आज मैंने पहना है ये वाला आउटफिट गाइस, और ये मेरी मम्मी का आउटफिट है, तो यही मैंने आज वेयर किया है। इसकी डिटेल्स अभी मैं आपको दिखा दूंगी सारी, तो बहुत ही प्यारा सूट है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर है गाइस एज यू कैन सी। तो अब मैं जा रही हूँ आज अपने चाचा के घर, तो मैं आपको वहीं जाके ब्लॉग दिखाऊंगी, आज हम ईद पे उनके घर जा रहे हैं, तो अब मैं आगे का ब्लॉग वहीं कंटिन्यू करूंगी। तो आपको वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को। तो गाइज़ ये मेरा आउटफिट था जो कि एक्चुअल में मेरी मम्मी का आउटफिट है, तो मैंने वही थोड़ा फिट करके पहना था जो कि बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहा था। गाइज़ आपको कैसा लगा ये सेकंड डे का लुक, ये भी कमेंट सेक्शन में बताना कि मेरे दोनों ही लुक आपको कैसे लगे। तो गाइज हम निकल गए हैं चाचा के घर जाने के लिए, तो अब हम जा रहे हैं और वहाँ पर हम बहुत इंजॉय करेंगे, तो आप ब्लॉग एंड तक ज़रूर देख। तो गाइज अब हम जा रहे हैं अपने चाचा के घर, तो मेरे चार चाचा हैं माशाल्लाह से, वो चारों एक ही साथ रहते हैं, तो चलिए चलते हैं वहाँ पर। तो अब यहाँ पर हम आ गए थे सबसे पहले, तो ये है मेरी कज़न माहिरा और वो मेरे पापा से बातें कर रही है, वो बड़ी खुश हो गए थे गाइज, सारे बच्चे काफ़ी खुश हो जाते हैं जब भी हम वहाँ पर जाते हैं। तो यहाँ पर चाची ने लगा लिया था सब कुछ, दही भल्ले बनाए थे चाची ने घर में ही, ये है मेरी चाची, और यहाँ पर हम नाश्ता कर रहे हैं, दही बनाई थी, कचौड़ी बनाई थी उन्होंने, खीर बनाई थी, तो यहाँ पर नाश्ता करा। ये है मेरे सारे कज़न्स और ये है मेरी चाची की बड़ी बेटी, तो हमने यहाँ पे सब कुछ खाया पिया। उसके बाद हम चल दिए अपने दूसरे चाचा के घर, तो यहाँ पर भी नाश्ता था, तो गाइस आज तो बहुत ही ज़्यादा खाया, तो यहाँ पे भी थे दही भल्ले और यहाँ पे दो टाइप की खीर थी, खीर और ये सूखी वाली खीर गाइस, ये तो इतनी ज़्यादा अमेजिंग और टेस्टी थी ना, मतलब मैं आपको बता ही नहीं सकती कितनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी, डेफिनेटली मुझे तो बहुत मज़ा आया। इसकी रेसिपी कभी पूछूंगी चाची से और मैं भी ज़रूर ट्राई करूंगी, ये वाली मुझे बहुत अच्छी लगी। तो यहाँ पे भी हमने खा पी लिया और यहाँ पे देखिए मेरा भाई कितना ही खाएगा, भैया आज तो सारा खा जाएगा लग रहा है ये। तो फिर यहाँ पर हम थोड़ा बैठे, दूसरे वाले चाचा भी यहीं आ गए थे, थोड़ी बातचीत कर रहे थे, तो यहाँ पर खाया पिया और फिर हम चल दिए, नहीं अभी नहीं चले, अभी फिर चाची ने थोड़ी ठंडाई भी हमारे लिए बनाई थी जो कि काफ़ी टेस्टी थी, तो ये सब कुछ पी के खा पी लिया था। और इनके घर में गाइस देखिए बहुत ज़्यादा क्यूट सी कैट थी और देखिए बड़ा मतलब शर्मा रही थी जैसे इसके पास जा रहे थे, और ये थे इसके दो प्यारे प्यारे से बेबीज़, बहुत ही ज़्यादा क्यूट थे। तो यहाँ पे फिर हमने खाया और फिर हमारी डेस्टिनेशन चल दी तीसरे चाचा के घर, तो अब यहाँ पर आ गए हम तीसरे चाचा के घर। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरी बुआ भी आई हुई थी, तो ये भी मेरे सारे कज़न्स हैं बुआ के, और ये हैं मेरे बुआ के हस्बैंड और ये हैं मेरी सारी कज़न्स, देखिए कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हो रही है ये। तो यहाँ पर चाची के घर बना था कोरमा, रायता और बिरयानी भी थी, उसका भी मैं शूट नहीं करा, और उसके पहले ही हम लोग चले गए सबसे ऊपर यानी कि अपनी फोर्थ वाली चाची के घर। तो अब यहाँ पर हम आ गए हैं, तो गाइज यहाँ पर भी बहुत कुछ था खाने के लिए, मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए चाची ने यहाँ पे बना रखी थी, इन्होंने भी सूखी खीर बना, सूखी खीर सूखी सेवैयाँ बना रखी थी, दही बल्ले छोले थे, दही फुल्की भी थी, कचौड़ी थी, तो बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी थी।
गाइस मेरी चाची भी यूट्यूबर है तो वो भी अपना शूट कर रही है, तो आप इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना जरूर। और ये है मेरी बुआ, सबसे अच्छी सबसे प्यारी। तो गाइज अब बारी आ गई है डिनर की। आप लोग बोलोगे इतना तो खा लिया इसने, अब डिनर भी खाएगी क्या ये? तो गाइज डिनर में बना था चिकन कोरमा था और शामी कबाब थे, सैलेड था और ये ग्रीन चटनी थी, नान थी, सब कुछ बनाया था चाची ने। बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना था तो अब हमने खाना खाया। तो भाई देखो गाइज खाना तो खाना पड़ेगा ना, किसी ने इतनी मेहनत से बनाया है तो थोड़ा थोड़ा चखना तो बनता ही था, तो हमने खाना खाया। तो आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जितना हो सका गाइज जितनी क्लिप्स शूट कर पाई उतनी करी, क्योंकि आपको पता ही है ईद पे बहुत ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है, क्योंकि गेस्ट भी आते हैं तो उतना नहीं शूट कर पाते। और आप लोगों के साथ कुछ पिक्चर्स भी शेयर कर रही हूँ गाइज मैं अपनी ईद डे वन लुक की और डे टू की, तो आप जरूर बताना कि जो आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच मैंने बनवाया था आप लोगों को कैसा लगा और इसका आउटकम आप लोगों को कैसा लगा, और ईद डे टू पे जो मैंने आउटफिट पहना था अपनी मम्मी का वो भी आपको कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो फिर मैं आपको मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। बाय।